हेलो दोस्तों, गेट्स मशीन्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, और इस वीडियो में हम ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स, इवन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न से। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, जैसा कि ग्रीडी अप्रोच है तो ग्रीडी अप्रोच में हम फाइंड आउट करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बेस्ट सॉल्यूशन। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ऑप्टिमल मर्ज में हम क्या मर्ज करना चाहते हैं। तो लेट्स टेक द सिंपल एग्जांपल, मेरे पास तीन फाइल्स है F1, F2, F3। इन तीनों फाइल्स में रिकॉर्ड्स है, F1 के अंदर 10 रिकॉर्ड्स है, F2 के अंदर 20, F3 के अंदर 30। अब हमने करना क्या है, इन तीनों फाइल्स को मर्ज करके एक बड़ी फाइल में कन्वर्ट करना है। और प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हम एक ही टाइम पे सिर्फ दो फाइल्स को ही मर्ज कर सकते हैं, तो मेरे को नंबर ऑफ रिकॉर्ड मूवमेंट्स फाइंड आउट करनी है। कैसे? लेट्स से कि सबसे पहले मैं F2 को लेता हूं, F2 फाइल को लिया, F3 फाइल को लिया, कितने रिकॉर्ड्स हैं F2 में? 20, F3 में कितने हैं? 30। इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। जब इन दोनों को मर्ज किया, क्योंकि हमारी assumption क्या है कि हम एट मोस्ट टू फाइल्स को ही क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, तो इन दोनों को मर्ज करते ही मेरे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हो गए? 50। तो यहां पे मेरे पास मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करनी है? मूवमेंट का मतलब क्या है कि F2 में जो 20 रिकॉर्ड्स थे वो यहां थे, अब आपको ने आपने किया क्या, वो 20 रिकॉर्ड्स यहां से यहां मूव करवाए, और ऐसे F3 में जो 30 रिकॉर्ड थे वो यहां से यहां मूव करवाए। तो यानी ये जो फाइल है इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं? 50। और ये क्या डिनोट कर रहा है? 50 रिकॉर्ड मूवमेंट्स। अब आपने क्या किया, F1 को लिया जिसके अंदर कितने हैं? 10 रिकॉर्ड्स हैं। इन दोनों को आपने मर्ज किया, जैसे ही आपने मर्ज किया टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हो गए? 60 हो गए। और आपने यहां पे किया क्या, इन 10 रिकॉर्ड्स को आपने यहां से यहां मूव किया और इन 50 रिकॉर्ड्स को यहां से यहां मूव किया, तो टोटल रिकॉर्ड मूवमेंट कितनी हो गई? 60 प्लस 50, दैट इज 110। एक और तरीके से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो फाइल 1 जो ओरिजिनल फाइल थी F1, इसके रिकॉर्ड आपने कितने बार मूव किए, मतलब ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है सिर्फ एक, मतलब रूट से डिस्टेंस कितना है? एक। तो यानी आप कह सकते हो 10 × 1, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स यू मूव द रिकॉर्ड्स। यहां पे F2 में देखो, F2 के 20 रिकॉर्ड्स पहले आपने यहां मूव किए, फिर यहां से यहां मूव किए, मतलब 20 × 2, और 30 मतलब जो F3 के रिकॉर्ड्स हैं वो भी दो बार मूव किए, तो 30 × 2, तो टोटल क्या हो गया? 60 प्लस 40 100 प्लस 10 110। आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या ये मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? ये आ गया मेरा फिजिबल सॉल्यूशन। जैसे कि हमने ग्रीडी एल्गोरिदम की डेफिनेशन में डिस्कस किया था, ये मेरा एक फिजिबल सॉल्यूशन है, मतलब वन ऑफ द सॉल्यूशन है। बट ऑप्टिमल का मतलब क्या है, मेरी मूवमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। रीजन उसका क्या है, आप रिकॉर्ड को मूव कर रहे हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, और जब भी आप मूवमेंट करते हो कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड होगा, लेट्स से कि 1 मिलीसेकंड टाइम स्पेंड हो रहा है। तो अगर आपने 110 रिकॉर्ड्स को मूव किया तो टोटल टाइम क्या हो गया? 110 मिलीसेकंड। तो और ऑब्वियसली आप इस टाइम को कम करना चाहते हो ताकि कम से कम टाइम में आप ज्यादा रिकॉर्ड्स को मूव करवा सको। तो दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, लेट्स से मैंने F3 को लिया जिसके अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं? 30। मैंने F1 को लिया जिसके अंदर मूवमेंट्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने? 10। मैंने इन दोनों को मर्ज किया तो नई फाइल में कितने हो गए? 40 जो है वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए, और आपने 40 ही मूवमेंट की, मतलब 10 यहां से यहां मूव किए, 30 रिकॉर्ड यहां से यहां मूव किए। फिर आपने F2 को उठाया, F2 के 20 रिकॉर्ड्स को आपने इसके साथ मर्ज किया, तो टोटल रिकॉर्ड्स कितने हो गए आपके? 60, और 60 ही आपके टोटल रिकॉर्ड्स हैं, और मूवमेंट कितनी हुई? ये 20 यहां से यहां, 40 यहां से यहां, तो टोटल 60 प्लस 40 आपके 100 मूवमेंट्स हो गए। तो क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? नहीं, अभी भी हमारे पास एक फिजिबल सॉल्यूशन ही आया है। लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न के साथ। और ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न क्या कहता है कि सबसे दो मिनिमम को पहले उठा लो, मतलब F1 सबसे मिनिमम कौन सा है? F1 को उठाया, और दूसरा मिनिमम कौन सा है? F2। इस तरीके से आपने दोनों को, दोनों फाइल्स के रिकॉर्ड को उठाया और दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। तो जो मर्ज करने के बाद आपके पास नई फाइल आई उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हो गए? 30, और मूवमेंट भी कितनी है? 10 प्लस 20 30। फिर आपने बड़ी फाइल जो है वो, मतलब F3 उठाई, F3 को उठा गया,
आपने क्या किया, मर्ज किया और टोटल कितने हो गए आपके 60 रिकॉर्ड्स हो गए। तो देखो मूवमेंट कितनी हुई, 60 + 30 = 90 विच इज द मिनिमम वैल्यू और यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो यानी लॉजिक आपका क्या कहता है, लॉजिक कहता है कि जो हैवी फाइल्स हैं, हैवी फाइल्स मतलब जिसके अंदर रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है, उसको आप ऊपर रखो ताकि उसकी मूवमेंट क्या हो, कम हो, और जिसके अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम है उसको आप नीचे रख सकते हो ट्री में, ताकि उसकी अगर मूवमेंट ज्यादा भी होती है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अगर आप हैवी फाइल्स को ऊपर रखोगे तो ऑब्वियसली मूवमेंट्स मेरी कम हो जाएंगी, तो ऑन एन एवरेज आपका रिजल्ट जो है वो क्या मिलेगा, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहां पे अगर एक वही सेम अगर पॉइंट लें कि एक रिकॉर्ड को मूवमेंट करने के लिए 1 मिलीसेकंड लग रहा है, तो 90 मिलीसेकंड आपके लगेंगे, विच इज योर ऑप्टिमल आंसर। तो यहां पर अगर हम बात करें एल्गोरिदम कैसे काम करता है, एल्गोरिदम में हम यूज करते हैं मिन हीप का कॉन्सेप्ट। मिन हीप के में हम करते क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिएट मिन हीप विद एन फाइल्स। लेट्स से मेरे पास 3 फाइल्स थी, इन 3 फाइल्स का हमने क्या किया, मिन हीप क्रिएट किया। तो मिन हीप क्या होता है, जनरली मिन हीप हमारे पास इस तरीके से हमने बनाया, और मिन हीप के अंदर हमारे पास जो मिनिमम एलिमेंट है, सबसे मिनिमम एलिमेंट वो क्या होता है, टॉप पे होता है, मतलब यहां पे रूट पे वो एलिमेंट होता है। तो ऑब्वियसली आपको मिन हीप सबसे पहले अगर आप बनाओगे, नंबर ऑफ फाइल्स आपके पास अगर n है, तो मिन हीप बनाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है आपकी, n टाइम आपको लगेगा। हीपीफाई अगर मेथड यूज करते हो तो n टाइम लगेगा, अगर आप हीपीफाई मेथड नहीं यूज करते तो हीपीफाई के बिना आपको अगर हम यूज करते हैं तो आपका टाइम उस केस में कितना लगेगा, n log n टाइम जो है वो यहां पे लगेगा। तो हीपीफाई मेथड से आपका टाइम जो है वो कम हो जाता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ n। उसके बाद आपने क्या किया, आपने एट ईच लेवल रिमूव द 2 मिनिमम a एंड b, मतलब आपने सबसे पहले इस मिनिमम को निकाल लिया। जब आपने इस मिनिमम को निकाला उसके बाद क्या होता है, जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या होता है, वो आके टॉप पे बैठ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हीपीफाई मतलब इसको हम रीअरेंज करेंगे, क्योंकि लास्ट एलिमेंट जरूरी नहीं है कि मिनिमम होगा, वो ऑब्वियसली बड़ा एलिमेंट होगा, तो जब आप उसको रूट पे लेके आओगे तो मिन हीप में दोबारा कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो वो रीअरेंजमेंट कितना टाइम लेती है, लॉग ऑफ n। तो एक एलिमेंट को आप हटाने के लिए log of n टाइम लगाओगे, दो एलिमेंट को हटाने के लिए कितना लगेगा, log n plus log n, क्योंकि आपने दो मिनिमम को उठाना है। तो ऑब्वियसली एक log n से आपने पहला एलिमेंट निकाल दिया और लास्ट एलिमेंट को ऊपर ले आए, फिर आपने रीअरेंज किया, तो रीअरेंजमेंट करने के बाद क्या होगा, जो मिनिमम एलिमेंट है वो फिर रूट पे आ जाएगा, फिर आपने दूसरा एलिमेंट भी निकाल दिया और उसके बाद लास्ट एलिमेंट को फिर आप ऊपर लेके आए, फिर आपने रीअरेंज किया, तो यानी 2 log n आपका टाइम लग गया रिमूव करने में। फिर आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, a प्लस b मतलब जो दोनों का एडिशन है, जैसे आपने यहां पे पहले 10 और 20 को निकाला, अब 10 को निकालने का टाइम कितना है, log n, 20 को निकालने का टाइम कितना है, log n, उसके बाद आपने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जो रिजल्ट आया 30। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस 30 को दोबारा आप मिन हीप में डाल रहे हो, इस 30 को दोबारा मिन हीप में डाल रहे हो, मतलब इसको आप दोबारा से ऐड कर रहे हो इस नए वैल्यू को हीप के अंदर, और फिर उसको आप रीअरेंज करोगे, क्योंकि हो सकता है कि वो बड़ा है छोटा एलिमेंट है, तो आपको मिन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, तो आपको लॉग एंड टाइम इसमें भी लगेगा। याद रखना कि जो भी आपका एडिशन करके रिजल्ट आया उसको आप इस लिस्ट में डालो और उसके बाद फाइंड आउट करना कि 2 मिनिमम कौन से। जैसे अब इसमें तो ऑब्वियसली यहां पे फाइंड आउट नहीं कर रहे, लेट्स से अगर मेरे पास इस तरीके से होता 2, 4, 6, 8 कुछ भी इस तरीके से, तो आपने करना क्या है, और लेट्स से उसके बाद 10, तो लेट्स से 2 और 4 मतलब आपने सबसे पहले 2 को उठाया, आंसर क्या है 6, इसको आपने दोबारा लिस्ट में डालना है, तो यानी अब नेक्स्ट 2 कौन से आएंगे, 6 और 6 कितने हो गए, 12। अब इस 12 को आप दोबारा लिस्ट में डालो, यानी इस पोजीशन पे जाएगा, और उसके बाद आपने फिर 2 मिनिमम को उठाना है, यानी 2 मिनिमम कौन से आएंगे, 8 और 10, दैट इज 18। याद रखना आपको ये वाला डायग्राम फॉलो नहीं करना, आपको ये एल्गोरिदम फॉलो करना है कि 2 मिनिमम को उठाओ, मर्ज करो, जो आंसर आया उसको दोबारा से लिस्ट में ऐड करो, फिर 2 मिनिमम को उठाओ, जो रिजल्ट आया दोबारा से लिस्ट में ऐड करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपने ऐड किया उसके बाद आपने फिर उसको क्या किया, रीअरेंज किया, क्योंकि मिन हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, तो टोटल टाइम आपका इस केस में कितना लगा, 3 log n लगा, मतलब इस पूरे काम को करने में आपका 3 log n टाइम लगा। और ये काम आप कितने टाइम करोगे, ऑब्वियसली आप
एन माइनस वन लेवल तक ये काम करोगे। मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ फाइल्स अगर एन है तो वर्स्ट केस में आपके नंबर ऑफ लेवल्स कितने हो सकते हैं, एन माइनस वन। तो यानी थ्री लॉग एन इंटू एन माइनस वन, विच कैन बी रिटन एज ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन इस पूरे काम को करने में कितना हो गया, फॉर ऑल द एलिमेंट्स एन लॉग एन, और इसको बनाने में कितना था n, तो n प्लस n log n, जिसको आप क्या लिख सकते हो, obviously order of n log n. So this is the time complexity of optimal merge pattern. और यही सेम एल्गोरिदम काम करता है हफमैन कोडिंग के अंदर, लेकिन उसकी एप्लीकेशन कुछ और है, लेकिन एल्गोरिदम जो है वो एज इट इज काम करता है। ये पॉइंट जो मैंने आपको यहां पे बताया, ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी गेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुली होके ही इस क्वेश्चन को करना, ताकि आप इसको गलत ना करके आए। थैंक यू।